हेलो फ्री फॉलोअर्स, क्या हाल है? फबी के हो? फबी और फबी बहुत बहुत बढ़िया और मस्त होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइस आप लोग ताइवान सर्वर की आईडी कैसे बना सकते हो, वो भी गाइस बहुत ही आसानी के साथ में। और भाइयों, आपको तो पता ही होगा यहाँ पे जो हमारा ताइवान सर्वर है वहाँ पे हमको कितने ढेर सारे फ्री के रिवार्ड मिलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग ताइवान सर्वर की आईडी कैसे बनाओगे, वो भी गाइस बहुत ही आसानी के साथ में। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से फ्री में होता है। तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। वेल गाइस, यहाँ पर ताइवान सर्वर की आईडी बनाने के लिए सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में कोई आईडी लॉगिन है तो आप लोग उसको लॉग आउट कर देना, तभी तो आप लोग यहाँ पर ताइवान सर्वर की आईडी को लॉगिन कर पाओगे। और यहाँ पर आईडी को लॉग आउट करने के बाद अब आपको यहाँ से अपने गेम को क्लोज कर देना है। और गेम को क्लोज करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको एक VPN को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है अर्बन VPN। अभी आप लोग इस VPN को देख सकते हो, जो कि आपको कुछ इस तरह के ये देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, एंड जब आप लोग इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तब आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। और जब आप लोग इसको ओपन कर लोगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आने वाला है, और आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा ऑटो सर्वर का ओपन। तब आपको सिंपली यहाँ पर ऑटो सर्वर के ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद अब आपको यहाँ पर ताइवान लिख देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर ताइवान लिखोगे तो यहाँ पर ताइवान आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पर ताइवान के ऊपर क्लिक कर देना है, और कैसे जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तब हमारा जो VPN है वो ताइवान सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। तो VPN को कनेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि इस ऐप को मिनिमाइज कर देना है, ठीक है गाइस। आपको इसको क्लोज नहीं करना, आपको सिंपली इसको मिनिमाइज कर देना है। और मिनिमाइज करने के बाद अब आपको अगेन से यहाँ पर अपने फ्री फायर गेम को ओपन कर लेना है। और गेम को ओपन करने के बाद गाइस अब आपके पास कोई फ्रेश अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि आपने अभी तक अपनी आईडी नहीं बनाया। लाइक अगर आपके पास कोई फ्रेश फेसबुक का अकाउंट है जिसमें कि आपने अभी तक अपनी गेम की आईडी को नहीं बनाया, तब आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। और इसी के साथ में अगर आपके पास कोई गूगल का फ्रेश अकाउंट है जिसमें कि आपने अभी तक अपनी गेम की आईडी को नहीं बनाया, तब आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। और हाँ भाई, अगर आपका जो गिफ्ट के अकाउंट है वो अभी तक नहीं बना हुआ, तब आप लोग अपने गिफ्ट के अकाउंट से भी ताइवान सर्वर की आईडी बना सकते हो। तो देखो, मेरे केस में मैंने अपने गिफ्ट के अकाउंट को डिलीट कर रखा है, तो यहाँ पे जो मेरा गिफ्ट के अकाउंट है वो नहीं बना हुआ, तो इसलिए मैं अपने गिफ्ट के अकाउंट से ही ताइवान सर्वर की आईडी बनाने वाला हूँ। लेकिन मेरे भाई, अगर आपका जो गिफ्ट के अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है और आप लोग चाहते हो कि आप लोग उसको डिलीट करके अपने गिफ्ट के अकाउंट से ही ताइवान सर्वर की आईडी बनाना, तब आप लोग इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो से आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि आप लोग अपने गिफ्ट के अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हो, वो भी गाइस बहुत ही आसानी के साथ में। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अभी आप लोग जा करके अपना गिफ्ट के अकाउंट डिलीट कर लीजिए। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे जो मेरा गिफ्ट के अकाउंट है वो तो डिलीटेड है, तब मैं सिंपली यहाँ पर अपने गिफ्ट के अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और बस अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना यार, जिस तरह से एक न्यू अकाउंट बनाते हो आपको सिंपली उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, इसके बाद अब आपको यहाँ से इसको कंफर्म कर देना है, एंड कंफर्म करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम हो। तो भाई, मैं यहाँ पर अपना नेम नहीं लिखने वाला, बाकी आप लोग यहाँ पर अपना नेम अच्छे से लिख सकते हो। एंड देन अब आपको यहाँ पर लेफ्ट गो के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, और जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो भाई आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा। बाकी अब आपको करना क्या कि अब आपको यहाँ पे इसको टैप टू कंटिन्यू करने के लिए डिस्प्ले पर कहीं पर भी क्लिक कर देना है। और जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तब आपके सामने गेम ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी उस गेम को फिनिश करके आ रहा हूँ। वेल गाइस, यहाँ पर जो हमारे सामने गेम ओपन हो गया था, हम लोग उसको फिनिश करके आ चुके हैं। और अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ताइवान सर्वर के अकाउंट है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर अपनी गेम की सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ताइवान आ चुका है, यानी कि यहाँ पर ये जो अकाउंट है वो मेरा ताइवान सर्वर का बन चुका है। और हाँ, अब आप लोग अपने VPN को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, उसका काम हो चुका है। एंड हाँ, इसी के साथ में अभी आप लोग यहाँ के कुछ इवेंट भी देख सकते हो जिससे कि आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये ताइवान सर्वर का ही अकाउंट है।
तो देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से फ्री में होता है। तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।